आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। मध्य प्रदेश में चलाए जा रहे माफिया विरोधी अभियान के क्रम में मंगलवार को क्राइम ब्रांच जबलपुर ने सट्टा किंग बिरजू महेश्वरी के ठिकाने पर दबेश दिए। गोपालबाग स्थित महेश भवन के थर्ड फ्लोर से पुलिस ने बिरजू सहित उसके 15 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। मौके से 45 नग मोबाइल, 24 कैलकुलेटर, 13,000 रुपए नगद और 43 लाख रुपए का हिसाब किताब जब्त किया गया है। बताया जा रहा है कि जहां जिम की आड़ में सट्टे का कारोबार संचालित किया जा रहा था, जिसमें 8 जिलों में उसका नेटवर्क फैला हुआ था। बता दें कि सट्टा किंग बिरजू के अलग अलग अड्डों पर पुलिस ने कई बार दबिश दी, लेकिन हर बार वह चकमा देकर भागने में सफल रहा है। ट्रेनिंग आईपीएस अमित कुमार ने बताया कि क्राइम ब्रांच और कोतवाली सीएसपी दीपक मिश्रा की अगुवाई में टीम ने मुखबिर की सूचना पर मंगलवार की रात 8 बजे कोतवाली क्षेत्र के ही गोपालबाग स्थित महेश भवन के थर्ड फ्लोर पर छापेमार कार्रवाई की। मौके से सट्टा किंग बिरजू उर्फ ब्रजेश किशोर महेश्वरी और उसके 15 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया। कार्रवाई के दौरान पुलिस टीम ने मौके से 45 मोबाइल, 24 कैलकुलेटर, 13,000 रुपए नगद और कई डायरी जब्त की है। डायरियों में उसने सट्टे का हिसाब किताब भी लिखा है। बताया गया कि 4 घंटे पहले ही आरोपी ने जबलपुर, नरसिंहपुर, कटनी, सिवनी, रीवा, सतना, उमरिया और मंडला सहित दमों से 43 लाख रुपए का सट्टा लिखा था। गम एडिशनल एसपी क्राइम महोदय के सहयोग से कोतवाली पुलिस ने सट्टा किंग बिरजू माहेश्वरी एवं उसके 16 लड़कों को अप्रिहेंड किया। वो गोपाल आर्केड महेश भवन में संगठित रूप से सट्टा खिला रहे थे और उनके पास से 45 मोबाइल फ़ोन, 24 कैलकुलेटर, लगभग 43 लाख की सट्टा पट्टी, जिसमें आज जो है 43 लाख की जो है लगभग बिजनेस की गई थी, एवं उनके पास से लोकल तौर पे 13,000 रुपये जो है जब्त किए गए हैं। ये 43 लाख की सट्टा पट्टी की जो है कंप्लीट जो है विवेचना की जा रही है, सारे डिटेल्स निकाले जा रहे हैं और ये मनी का ट्रेल कहाँ से जाता है और एरिया में जबलपुर के किन किन एरियाज़ में फैला हुआ है, कौन कौन सटोरियाँ इनसे लिंक्ड हैं, इन सभी की जो है जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इनके साथ ही साथ जिम के सामान के बहाने जो है यहाँ पे जो है सट्टा का खेल होता था। टीवी, एसी एवं और भी जो अन्य सामान है वो भी जो है पुलिस के द्वारा जब्त किए गए हैं और सभी बिंदुओं पर विवेचना की जाएगी। कौन कौन सटोरी इनके साथ सहयोगी हैं और कौन कौन नहीं। अभी लगभग 1 महीने से इनकी जो है सूचना आ रही थी, ये जगह बदल बदल कर खेलते थे, मगर आज जो है क्राइम की टीम एवं कोतवाली सीएसपी महोदय की टीम ने जो है इनको अप्रिहेंड करने में सफलता पाई है। हम यह आशा करते हैं कि आगे जो भी इनके सटोरी इनके साथ जुड़े हुए हैं सभी के जो है हम नाम को जो है खुलासा करेंगे।